अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ. टुडे इज़ अवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स बुक्स एंड द टॉपिक इज़ हियर वी विल डिस्कस टुडे इन लेक्चर नंबर 13 डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड द फार्मूला आई हैव राइट डाउन ऑन द बोर्ड. यू कैन सी पी ओवर क्यू इज डिवाइडेड बाई आर ओवर एस. पी ओवर क्यू इज रिप्रेजेंटेड टू द रैशनल नंबर एंड डिवाइडेड बाई आर ओवर एस इज द एन अदर रैशनल नंबर. हम देखते हैं कि P ओवर Q और R ओवर S ये दो हमारे पास रैशनल नंबर के लिए एब्रीवेशन यूज़ हो रही हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ डिवीजन को हम हमेशा जब फार्मूला करते हैं हल तो हमेशा डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको चेंज कर देते हैं. P ओवर Q मल्टीप्लाई बाय S ओवर R इज इक्वल टू P को S से मल्टीप्लाई कर देंगे और Q को R से, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी P S ओवर Q R. दिस इज़ द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर. इसके लिए हम देखते हैं 8/3 डिवाइडेड बाय 16/3. आप देख रहे हैं इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, लेकिन एक चीज़ हमने गौरतलब है इसमें, वो आप देखेंगे -8/3 और डिवाइडेड बाय 16/3. अब आप गौर से देखिए कि इस सवाल में एक तो हमारे पास रैशनल नंबर के साथ यहाँ माइनस लग गया, दूसरा ये कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है. अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसके स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं डिविडेंड के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम जगह तब्दील कर देंगे एडिटिव इन्वर्स की रूल को सामने रखते हुए. पहले को इसी तरह रहने देंगे 8/3, डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, और 3/16. साइन और जगह तब्दील करने से अब आप देख सकते हैं हम इन्हें आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 8/5 = 8, 8/2 = 16. जी 8/2 = 16, फिर 3/1 = 3, 3/1 = 3. तो हमारे पास ये डिवाइड होकर कुछ आंसर इस तरह आया -1/2. यहाँ तक करने के बाद हमें मालूम हो गया कि रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहला रूल क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो करना पड़ेगा ऑफ आवर डिवाइज़र, और फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई डिविडेंड को करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. ये फार्मूला मैंने इसके लिए ऊपर लिख दिया है. इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन से आपको इस बात को समझाऊँगी. एक और क्वेश्चन मैं लिखूँगी यहाँ. जी स्टूडेंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं लिखूँगी, वो देखिए -4/5 डिवाइडेड बाय -6/25. हमने पहला रूल रैशनल नंबर का क्या करते हैं कि हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आर डिवाइज़र करते हैं. हम सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे और अगले स्टेप में नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएंगे. 25 और माइनस की लामत इसी तरह रहेगी /6. अब आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में 4/5 मल्टीप्लाई -25/6. हम इसे काट सकते हैं बहुत आराम से, 2/2 = 4, 2/3 = 6, 5/1 = 5, 5/5 = 25. ये यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता. तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आंसर आया है हम उसको डिवाइड करने के बाद लिखेंगे, वो है -2 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाय 3. अब देखें हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ जवाब इस तरह आता है, इक्वल का साइन डालूंगी, 2/5 = 10, 10 और 3 इसी तरह आ जाएगा. आपने इसको डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर में इसी तरह रहने देना है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में चेंज कर दिया, टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया टेन आ गया, और थ्री नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहा। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की डिवीजन के लिहाज से रैशनल नंबर के में हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये हम अगले स्टेप में देखेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम देखेंगे फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है, जैसे कि एक 3/4 मैं कंसिडर करती हूँ, जिस जो कि नॉन ज़ीरो है। इसमें टू इंटीगर्स हैं, देयर आर टू इंटीगर्स, इंटीजर्स कह दें इंटीगर कह दें गलत नहीं होगा, कंफ्यूज लफ्ज़ों की हेर फेर से नहीं होना आपने। इंटीजर्स जिसमें हमारे पास आता है 3, ठीक है, और एज न्यूमरेटर हमारे पास आ जाता है 7 एज अ डिनोमिनेटर। ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर और नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हम इंटरचेंज कर दें इंटीगर्स को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, वी गेट द अनदर रैशनल नंबर। अगर हम इसको पलटा दें रकम, तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा 7/3, ठीक है। हमारे पास नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर जो p/q, यानी कि हमारा रैशनल नंबर हो वी एन अदर नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर q/p, दिस कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल। यानी p/q ऑपोजिट पे भी कर दें q/p, तब भी क्या है ये रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर्स। जी यहाँ तक करने के बाद बेटा अब हम अगला स्टेप देखेंगे। हमारे पास उन्होंने कहा है कि मिसाल एक ऐसी मिसाल एक और ले लेते हैं, 105 - 105/113। अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखना चाहें तो हम 113 को ऊपर ले आएंगे और -105 को नीचे रखेंगे, तो ये हमारे एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं या उलट हैं, रिवर्स हैं। तो p/q का रेसिप्रोकल q/p और q/p का रेसिप्रोकल p/q, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर कहलाते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आज करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में करवा दिया था, आज हम करवाएंगे इसका अगला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई के लिए हमारे पास क्वेश्चन है 1/8 - 5/8। अब आप देखें इसके डिनोमिनेटर सेम हैं, इस दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास पहले तो इनके ही साइन चेंज होंगे, इक्वल का निशान डालेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, 5/8 है, डिनोमिनेटर सेम है, 1/8 इसी तरह लिख दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ जाएगा 5/8। जब डिनोमिनेटर सेम हो हम पीछे रूल करते रहे हैं, तो ऊपर वाली रकमों को एज इट इज़ जमा कर देंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख देंगे, तो मेरे पास जवाब आएगा 6/8। अगर ये डिविजिबल हो, तकसीम हो सकता हो, तो हम इसे तकसीम भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 2 3 = 6, 2 4 = 8, हमारे पास आंसर रैशनल नंबर में आ गया 3/4। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। जी इसके सोल्यूशन में हम देखते हैं हमने क्या करना है, -99/100 +77/100। आप देखें कि डिनोमिनेटर फिर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो हम लिखेंगे -99 + 77/100 एक टाइम 100 लिखेंगे। अब 99 में से 77 माइनस किए तो हमारे पास कुछ इस तरह जवाब आ जाएगा -22/100। अब ये दोनों एक ही उसमें डिवाइड हो सकते हैं, 2 के टेबल में, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर -11/50।
इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन करूँगी, वो देखिए जी। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिखूँगी, थोड़ा चेंज है सर, आप देखिएगा। पांचवा पार्ट है इसी का, 1 + -49/50। यहाँ तक लिखने के बाद अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगी। माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 49/50। यहाँ तक लिख के हम लिखेंगे 51 + 50, हम लिखेंगे 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 49। यहाँ तक करने के बाद ओवर डिनोमिनेटर यही रहेगा 50, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/50। इसी तरह के एक छठा पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह है, मैं कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 11/100, अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 + 11/100, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 111 और 111 एंड नीचे आ जाएगा 100 डिनोमिनेटर में। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिक्स नंबर में 1/11/100, ये मिक्स नंबर में इसका आंसर है। इसके बाद एक और पार्ट में आपको करवाती हूँ, 1/11 + -5/11 ब्रैकेट क्लोज 1/10 + 10/11। यहाँ तक लिखने के बाद हम देखेंगे इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसके साइन चेंज होंगे, जब साइन बदलेंगे प्लस माइनस माइनस 5/11 + 10/11। आप गौर से देखें, डिनोमिनेटर सबके सेम हैं। हमने क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को एज इट इज़ लिख लेना है, 1 - 5 + 10/11। यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास, हम अगले स्टेप में देखते हैं, 6/11। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाता है 6/11। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किए थे 8 × 3/4 और 8 के नीचे है 9। आप देखें इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग तरह के हैं। हमने क्या करना है, 8/9 × 3/4। गौर से देखिए, ये क्वेश्चन के जो डिजिट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिविजिबल हैं, तकसीम हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 9 × 3 = 3, 3 × 3 = 9। तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और नीचे बचा है 3 × 1, तो 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और करूँगी जो कि 7वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3/4 / डिवीजन मेथड भी आ गया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ गया। अब देखते हैं क्या करना है, 16/81। अब हमारे पास सॉल्यूशन में हम इसको देखते हैं, थ्री ओवर टू डिवाइडेड बाई फोर ओवर नाइन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन ओवर एटी वन। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसे काट सकते हैं बहुत आसानी के साथ, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9। और क्या कटेगा, हम यहाँ पे एक और स्टेप करेंगे, बल्कि काटने से, डिवीजन करने से पहले ये डायरेक्टली डिवीजन हो जाएगी। एक और चीज़ जो है नोटेबल है वो ये है कि यहाँ पे डिवीजन रूल था, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई करेंगे। पहले डिजिट को हम इसी तरह रहने देंगे, 3/2 × 9/4। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे 2/3। हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन वही है, होना उसी तरह तरीके से डिवाइड है, 1 × 3, 3 × 9। अब हम इसकी मजीद स्टेप को, जो कि हमारा थर्ड पार्ट था इसका 16/81, इसको हम काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 3 × 1 = 3 और
3 हाँ जी 3 1s are 3 और 3 3 2s are 6 और 2 गया 27। मज़ीद इसका नहीं हम काटेंगे। हमारे पास आंसर कटने के बाद अगले स्टेप में कुछ इस तरह जो रकम बचती है वो आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये हमारे पास आंसर। सबसे पहले हमने इनकी डिवीज़न को ख़त्म करना है, अमल को रकमों को उल्टा देना है, पलटा देना है, इसको रिवर्स कर देना है। 2/3 हो जाएगा और इधर 9/4 हो जाएगा, आपस में ये डिवाइड हो जाएंगे। जो रकम बच जाए उसको हम अगली रकम से डिवाइड करते हुए हमारे पास आंसर बचेगा 2/3। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और कल इंशाल्लाह 2/3 के सॉल्यूशन और साथ में उसके कॉन्सेप्ट की क्लियरेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने की सूरत में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स तो देना ना भूलिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा लेक्चर आपके लिए अपलोड करते रहें। अल्लाह हाफिज़।